नमस्कार। तो दिन के दूसरे पहर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। दर्शकों, आज का दिन खास है। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज वोटिंग हो रहा है, मतदान हो रहा है, चुनाव हो रहा है, और चुनाव अब चलता चलता चौथे स्टेशन पर आकर रुक गया है। आज चौथे स्टेशन पर ये चुनावी गाड़ी रुकी है, ये रथ रुका है, आज जनता वोट डाल रही है। तो ये चौथे स्टेशन पर जो आज चुनावों का रथ रुका है, जो रेलगाड़ी रुकी है, और आज जब जनता वोट डाल रही है, तो क्या कुछ चल रहा है, क्या हलचल है, क्या ब्रेकिंग है, क्या एक्सक्लूसिव है, किसका क्या कहना है, किसका क्या नहीं कहना है, किसके क्या बयान है, क्या स्टेटमेंट है, कौन क्या कुछ कहना चाहता है। पल पल की खबर, छोटी से छोटी खबर और बड़ी से बड़ी खबर, हर खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आज लगातार आप सुबह से देख पा रहे हैं। 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान होगा, और यही मतदान का वक्त है जिसमें न्यूज वर्ल्ड इंडिया सुबह 7 बजे से लेकर लगातार आपके साथ बना हुआ है। पल पल की अपडेट, पल पल की अपडेट। अगर कहीं कुछ भी मसला होता है, हम आज की तारीख में, क्योंकि मीडिया को भी प्रोग्रेसिव होने का वक्त आ गया, तो आज की तारीख में दरअसल हम एक चेकर की भी जो भूमिका है उसको निभाने का काम कर रहे हैं। अगर कहीं भी ईवीएम में कोई भी गड़बड़ होती है, किसी भी तरीके की कोई भी तकनीकी खामी की खबर आती है, तो यह खबर वहीं तक दब नहीं रही है, क्योंकि आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया हर चप्पे चप्पे पर तैनात है। 59 जगह जहां मतदान हो रहे हैं, जिन विधानसभाओं में, वहां पर हमारे रिपोर्टर तैनात हैं, और पल पल की खबर, एक भी पॉजिटिव नेगेटिव, एक एक खबर को खोद कर निकाल के लाने का काम कर रहे हैं। तो सुबह से ही न्यूज वर्ल्ड इंडिया की यह टीम लगातार आपकी सेवा में लगी हुई है, और एक एक खबर, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। 1 बजे तक कितने मतदान हुए, इसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि जो हॉट सीटें हैं वहां पर आज मतदान हुए हैं। विंडो पर चलाइएगा सीधे आठ स्क्रीन, जिन लोगों ने वोट डाले हैं, तो प्रत्याशी बीजेपी की, इन्होंने आज वोट किया है, और सीधे तौर पर मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने वोट डाला है। राजनाथ सिंह साहब रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने वोट डाला है। नितिन अग्रवाल साहब विधायक है समाजवादी पार्टी से, पूरा दबदबा इनका हरदोई में, इन्होंने भी वोट डाला है। मोहसिन रजा साहब अल्पसंख्यक मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, इन्होंने भी वोट डाला है। वहीं अगली तरफ है साक्षी महाराज साहब, सांसद हैं बीजेपी से, इन्होंने भी वोट डाला है। अजय मिश्रा टेनी साहब मंत्री बीजेपी से, इन्होंने भी वोट डाला है। सुधांशु त्रिवेदी साहब प्रवक्ता है बीजेपी से, इन्होंने भी वोट डाला है। 8 तस्वीरें बताती हैं लोकतंत्र की खूबसूरती को, और दिखाती हैं कि आज दर्शकों आपके बीच आपके नेता, आपके प्रतिनिधि भी दरअसल पीछे नहीं है, वोट डाल रहे हैं। तो जब इनकी रैलियों में भारी भरकम भीड़, इनको सुनने और देखने के लिए आप पहुंचते हैं, तो आज लोकतंत्र के इस महापर्व पर, इस मेले में आप भी पहुंचिए और वोट डालिए लगातार। अगर अभी तक आप घर से नहीं निकले और इन विधानसभाओं में रहते हैं, तो आप भी वोट डालिए। यह अपील आप सभी से है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा संख्या में वोट डालेंगे, उतना ज्यादा मजबूत लोकतंत्र होगा। लेकिन ऐसे में सीधे अब हमारे साथ सुबह से आपके बीच थी हमारी सहयोगी काजोल नारायण जी, भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो इनसे अपडेट लेंगे कि क्या कुछ अपडेट है, बाद में आपको आगे लिए चलेंगे। और जहां भी जो भी तकनीकी खामी किसी भी तरीके की, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, और न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर बने रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आज जिन विधानसभाओं में वोटिंग हो रही है, वहां पर चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता तैनात हैं, हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं।